अगला जो मेरा टॉपिक है वह है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में उसका उद्गम स्थल देखेंगे कि कहाँ से कौन सी नदी उद्गम, मतलब उसका कहाँ से मतलब ओरिजिन होता है, कहाँ से उसका। तो पहला जो नदी है वह सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल होगा तिब्बत में मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत से। कहाँ से होता है सिंधु सिंधु नदी का तिब्बत, जो तिब्बत है उसमें मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत से इसका उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का कहाँ से यह उद्गम है ये याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से। अगला सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक स्थल से। सतलज नदी का क्या है, सतलज नदी का है मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल झील से, मानसरोवर झील के निकट राकस्ताल झील से सतलज नदी का उद्गम स्थल। अगला झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थल थी कश्मीर के बोरीनाग झरने से। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ, कश्मीर के जो बोरीनाग झरने वहाँ से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगला चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है लाहौल में बरालाचाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा चिनाब नदी का उद्गम स्थल। अगला रावी नदी, रावी नदी का जो उद्गम स्थल कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से। कहाँ, कांगड़ा जिले जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले उसमें हिमालय के रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम स्थल है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से। अगला गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से। केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो गौमुख नामक स्थान है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुच में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से। बंदरपुच में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, किस कहाँ, बंदरपुच में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अगला गोमती नदी, गोमती नदी का जो उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। अगला घाघरा नदी, घाघरा नदी तिब्बत के मापचांचुंगो हिमनद से। कहाँ है, घाघरा नदी तिब्बत के मापचुचांगो हिमनद से, तिब्बत के मापचांचुंगो हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा गंडक नदी का तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरा पर्वत से, तिब्बत और नेपाल का जो सीमा है वहाँ पर धौलागिरा पर्वत से गंडक नदी का उद्गम स्थल है। अगला कोसी नदी, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल प्रवाह की सात धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गुनसाई थान चोटी से यानी सप्त कोसी से गुनसाई थान चोटी से। प्रभाव की सात धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गुनसाई थान चोटी से सप्त कोसी से कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अगला चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू के निकट बिंद पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में महू के निकट बिंद पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगला बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट बिंद पर्वतमाला से। रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट बिंद पर्वतमाला से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। केन नदी, केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से केन नदी का उद्गम स्थल है। अगला सोन नदी, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। कहाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से, छोटा नागपुर पठार के पलामू से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से, चेमायुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला गोदावरी, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल वह महाराष्ट्र नासिक, नासिक के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से। कहाँ से, तो त्र्यंबकम पहाड़ी से महाराष्ट्र में नासिक के पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में कावेरी नदी का उद्गम स्थल। अगला नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के निकट में, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती नगर के निकट। अगला महानदी, महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट महानदी का उद्गम स्थल है।
यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत राजस्थान से होता था या आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाता है। तो इसमें तो बहुत चीज़ दिया हुआ था कि अन्य नदी सागर एवं संगम स्थल, लेकिन ये पूछता नहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में।